दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सम्मोहन। ये नागराशि कॉमिक्स है और ये पहली कॉमिक्स है जिसमें नागो को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो नागराशि कॉमिक्सों में एक साइड हीरो होता है। तो पढ़ते हैं इसको। सम्मोहन नागराशि कई घातक शक्तियों में से एक है, उसी सम्मोहन शक्ति। और यह शक्ति आमतौर पर सभी नागों में कम या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। सम्मोहन का अर्थ हमेशा जादू टोने से जोड़ा जाता रहा है, परंतु तो सम्मोहन का से संबंध तो इच्छा शक्ति से है। सम्मोहन करने वाले की इच्छा शक्ति दूसरे पर इस तरह से हावी हो जाती है, वह वही करता जो और देखता है, जो सम्मोह करना या दिखाना चाहता है। सम्मोहन का संबंध जादू जादू टोने से चाहे न हो, पर मानसिक शक्तियों से जरूर है, क्योंकि त्रिभुज सम्मोहन के अंदर दुनिया और ब्रह्मांड को हिला सकने लायक मानसिक शक्ति होती है। और जो इस मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करने का तरीका खोज निकालते हैं, वे सारी दुनिया पर फैला सकते हैं सम्मोहन। तुझे भागने की कोशिश करना बेकार है नागराज, नागू तभी वापस जाएगा जब उसका काम हो जाएगा। बेकार अपनी मौत को मत बुलाओ। महासम्मोह करण वशी के रहते नागराज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इच्छाधारी नाग, इसकी मणि प्राप्त करने की कोशिश करो नागराज। इस मणि में इसकी जान भी बसती है और तुम्हारी इच्छा शक्ति तक को वश में कर लेने वाली सम्मोहन शक्ति भी। महानगर की आबादी 1 करोड़ की है और बाहर से यहाँ, इसलिए किसी भी और महानगर की आबादी 1 करोड़ की है और बाहर से यहाँ रोज काम करने वाले आने वालों की संख्या लगभग 4 लाख है। इसलिए किसी भी कलाकार के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करने की इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। ओ भारती, तुम जानती हो कि मुझे भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं है, और ऐसे गाने डांस जादू तमाशे के प्रोग्रामों में मुझे जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। मैं बोर हो जाता हूँ। जादू की श्याम रणवशी के साथ। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है राज, सिर्फ समस्याएं। अपराध और आतंकवाद के अलावा तुम और कुछ करते ही नहीं। और इंसान की जिंदगी के और भी पहलू होते हैं, और उन पहलुओं में सबसे जरूरी पहलू है मनोरंजन। एक बार शो देखो तो सही, फिर तुमको पता चलेगा कि तुम क्या मिस कर रहे थे। शादी से तुम देखने लगो नागराज जिंदगी को दूसरे नजरिए से, और मुझे भी। ऐसे जादू के शोज तो बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं, जादू के नाम पर हाथ की सफाई दिखाते हैं, जबकि मैं तो ऐसे ऐसे जादू देख चुका हूं जिनको देखकर इन सभी दर्शकों की या शायद इस जादूगर की धड़कन रुक जाए। ये जादूगर वैसा नहीं है ना। और राज, हालांकि इसका नाम पहली बार सिर्फ 2 महीने पहले सुना गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि कर्णवशी जादूगर सचमुच जादू दिखाता है, हाथ की सफाई नहीं। इसका सोच देखने वाले इसकी ऐसी तारीफें करते हैं जैसे इसके गुलाम हो। ऐसा तो देख लेते हैं, पर वादा करो मेरे यहाँ मेरे एक बार कहते यहां से चल दोगी, क्योंकि राज सिर्फ तभी तक बैठा रह सकता जब तक नागराज का कहीं से बुलावा नहीं आ जाता। प्रॉमिस, अब टेंशन छोड़ो और शो का मजा लो। सभी दम साधे करण वशी के स्टेज पर प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन करण वशी के बजाय स्टेज पर कुछ और आकर गिरा। मेरी कला के प्रशंसकों, मेरे फन के गुलामों, यानी मेरे दर्शकों, दुनिया जानती है और कहती है कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इंसान बड़ी उम्र से छोटी उम्र में वापस नहीं जा सकता, मरकर वापस नहीं आ सकता, यानी कंकाल से जिंदा इंसान नहीं बन सकता। पर आप देख रहे हैं और मैं कह रहा हूं, वक्त को वापस पलटाया जा सकता है। कंकाल से जिंदा इंसान बन सकता है, लेकिन तभी जब इस कंकाल को बनना हो। जादूगरों का शहनशाह कर्णवशी वशी। देखा तुमने नागराज, क्या ग्रैंड अपीयरेंस था कर्णवशी का। पर यह ट्रिक उनसे की कैसे होगी, वह तो टूटे कंकाल से जिंदा इंसान में बदल गया। कैसी ट्रिक भारती, वह तो चुपचाप आकर खड़ा हो गया। कुछ दासू से डायलॉग जरूर मारे, पर उसमें तो कुछ भी ग्रैंड नहीं था। क्या बात करो राज, पहले कंकाल के टुकड़े गिरे, फिर कंकाल जुड़ा, फिर कंकाल पर नशे मांस और खाल चढ़े, और फिर जीता जागता कर्णवशी बन गया। तुम सो गए थे क्या? खैर अब देखो कर्णवशी आगे क्या करता है। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, कर्णवशी सचमुच का जादू जानता है। भारती क्या कह रही है, मैं तो लगातार शो देख रहा हूं, मुझे कुछ क्यों नहीं दिखा। मेरे शो की शुरुआत को पसंद करने के लिए धन्यवाद, पर मौत और मौत से वापस जिंदगी की तरफ आने के बीच में मैंने कुछ देखा। मुझे तो वह देखने के लिए मरना पड़ा, पर आप लोग उसे मरे बिना ही देख सकते हैं।
और वह नजारा नरक का नजारा। अगले पल हर दर्शक की आंखें फैल गई, पहले आश्चर्य से और फिर भय से, क्योंकि न जाने कैसे पूरा ऑडिटोरियम नरक का रूप धारण करता जा रहा था। यम कहाँ गए हैं? ये तो सचमुच नरक लग रहा है, पर मैं तो स्वर्ग नरक मानता ही नहीं हूं। हा, पर यहाँ तुम्हारे पापों का हिसाब होगा, मानवो। हर पाप के लिए एक अलग सजा, सदियों तक तड़पोगे तुम लोग। ये तो यमदूत लग रहे हैं, क्या हम मर गए हैं? पापों का हिसाब मरने के बाद ही होता है। मैं तो जला जला चोर तो सचमुच सचमुच में लग रही है, यह जादू नहीं हो सकता। बचाओ बचाओ करणवशी, ये तुम हमको कहां ले आए हो? भारती पर भी बुरी गुजर रही थी। बचाओ मुझे इस यमदूत से, बचाओ नागराज, यह मुझे आग में जलाने जा रहा है। पर तुम तो खुद यमदूत के शिकंजे में हो, तुम मुझे कैसे बचाओगे? यह सच नहीं हो सकता, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूं। नागराज, वह कौन है? तुमको अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ मैं, मान जादूगर कर्णवशी। नागराज, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूं। भारती, क्या वो भारती, तुम चिल्ला क्यों रही हो? भारती, एक के कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। साथ ही साथ ऑडिटोरियम में बैठे लगभग सारे दर्शक कुछ न कुछ चिल्ला रहे हैं, बात कुछ हो रही है। मुझे पता लगाना ही होगा कि भारती के साथ साथ ये सब ऐसा क्यों देख रहे हैं जो इनके होश फाकता किए हुए हैं। पर यह कैसे पता चलेगा कि भारती क्या देख रही है? मुझे भारती के मस्तिष्क में घुसने का प्रयत्न करना होगा। सर्पों से तो मेरा मानसिक संपर्क हमेशा ही बना रहता है। मैं सूक्ष्म रूप में अपने विशेष नाग सर्पिस को भारती के शरीर में प्रवेश कराता हूँ। यह भारती के रक्त के साथ बहकर इसके मस्तिष्क तक पहुंचेगा और फिर मेरे पास उस घटनाक्रम के मानसिक संकेतों को प्रेषित करेगा जो इस वक्त भारती के दिमाग में चल रहा है। और सर्पिस्क चूंकि मेरे शरीर में पैदा हुआ है, सर्प न होकर नागदीप का सर्प है, इस कारण यह बगैर मेरे विष के भी जीवित रह सकता है। भारती के रक्त धमनियों से होता हुआ सर्पिस्क भारती के मस्तिष्क की बुलबुलिया में जा पहुंचा और विद्युत सपुलिंगों के रूप में भारती के दिमाग में बहरी विचार तरंगों का संपर्क नागराज के मस्तिष्क में जोड़ने लगा। सपुलिंग यानी चिंगारिया, स्पार्क। भारती के दिमाग में उभरे दृश्य नागराज के दिमाग में भी उभरने लगे और नागराज चौंक उठा। वो कर्णवशी जादू दिखाने के लिए सम्मोहन का प्रयोग कर रहा है और सम्मोहन के जरिए वह इन दर्शकों को भयभीत करने वाले दृश्य दिखा रहा है। इसलिए मुझे न तो कर्णवशी का ग्रैंड अपीयरेंस दिखाई पड़ा और न ही नर के ये दृश्य है, क्योंकि मुझको सम्मोहित कर पाने की क्षमता कर्णवशी के पास नहीं है। पर कर्णवशी दर्शकों को खुश करने के बजाय भयभीत क्यों कर रहा है? खैर, अभी यह सोचने का वक्त नहीं है। किसी कमजोर दिल वाले की हृदय गति भी रुक सकती है। मुझे इसके सम्मोहन को काटना होगा और वह भी चुपचाप, वरना कर्णवशी को राज की सम्मोहन शक्ति देकर शक हो सकता है और उससे मेरा भेद खुल सकता है। एक दूसरा रास्ता है। अभी कर्णवशी का मस्तिष्क सम्मोहन तरंगों के जरिए भारती के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और भारती का मुझे, यानी मैं भारती के दिमाग के जरिए कर्णवशी के दिमाग तक पहुंच सकता हूँ। अगले पल नागराज की आंखों से सम्मोहन तरंगे निकलकर भारती की आंखों से टकराई और फिर वे तरंगे कर्णवशी के उन सम्मोहन तरंगों को नष्ट करती आगे बढ़ने लगी जिनका संपर्क भारती से था। नागराज की सम्मोहन तरंगों के से कर्णवशी के मस्तिष्क में घुसते ही कर्णवशी के मस्तिष्क को एक जोरदार झटका लगा और कर्णवशी के मस्तिष्क का वह भाग कुछ पलों के लिए सुन्न हो गया जो सम्मोहन पैदा कर रहा था। साथ ही साथ वह सम्मोहन जाल भी छिन्न भिन्न हो गया जो दर्शकों को भयावह दृश्य दिखा रहा था। वो हम तो वापस ऑडिटोरियम में आ गए, बच गए, जान बची तो लाखों पाए, अब भागो यहां से। यह क्या मेरा जादू टूट गया? किसी ने मुझ पर विपरीत सम्मोहन तरंगों से वार किया है, पर किसने? इतना शक्तिशाली सम्मोहन इन दर्शकों में से किसके पास है? किसके पास? ठहरो, रुक जाओ, भागो मत, अभी तो बहुत सारा जादू बचा है। मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी भी अभी थोड़ी सी बची है, अगर यहाँ पर रुका तो वह शायद नहीं बचेगी। अजीत, चलो, इसके मुंह क्यों लग रहे हो? हमको जीते जी यमदूतों से पिटवा दिया। मैं नरक में कैसे चली गई थी राज, और फिर वापस कैसे आ गई? बताऊंगा भारती, फिलहाल तो इस भीड़ के साथ साथ तुम भी यहां से बाहर निकलकर घर चली जाओ। मैं किसी को समझाकर अभी आता हूं।
करण वसी क्रोध से उबल रहा था। किसी ने मेरे काम में व्यवधान पहुंचाया और उसके पास सिर्फ सम्मोहन शक्ति है। मुझे उसको ढूंढना ही होगा, एक तो दंड देने के लिए और दूसरे उसकी सम्मोहन शक्ति को अपने काम में लाने के लिए। वैसी भीड़ में कहीं है, मुझे इस भीड़ को यहीं पर रोककर उसे ढूंढना होगा। इस भागती भीड़ को सम्मोहित करना जरा मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पर और भी जीवित वस्तुएं मौजूद हैं, और हर जीवित वस्तु के अंदर दिमाग या दिमाग जैसा कोई और संचालन केंद्र तो होता ही है जिसे सम्मोहित किया जा सकता है। जीवित वस्तुएं जैसे वायरस, बैक्टीरिया और अन्य अति सूक्ष्म जीव। करणवशी की आंखों से निकलकर सम्मोहन तरंगे हवा में तैरने लगी, और हवा में मौजूद सैकड़ों सूक्ष्म प्राणी एक दूसरे से जुड़कर एक भयानक रूप धारण करने लगे। बाहर जाने के रास्ते पर यह क्या चीज आ गई है? यह तो जैसे हवा में प्रकट हो रही है। यह करणवशी का जादू है, रुको मत, भागते रहो। यह भी कोई असली चीज नहीं, बल्कि यमदूत जैसी काल्पनिक चीज है। लेकिन आगे बढ़ते सबको पता चल गया कि वह वस्तु काल्पनिक नहीं थी। हा हा हा, अब कहाँ भागोगे? भागो भागो, कोशिश करो, तब तक ऐसे और चार पांच प्राणी बना डालता हूं बाहर जाने का हर रास्ता रोकने के लिए। धड़ाक। करण वशी पर हमला करने की जरूरत किसने की? किसकी हिम्मत हुई इसका सम्मोहन ध्यान भंग करने की? मेरी, नागराज की। और नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कहां सुना, खैर याद आ ही जाएगा। पर तूने मुझ पर हमला क्यों किया? उसके लिए मुझे खेद है, दरअसल तुमको रोकने का और कोई फटाफट तरीका मुझे समझ में नहीं आया। और रोकेगा, तू मुझे रोकेगा? मानसम्मोह करण वशी को, पहले तू मेरे द्वारा बनाए गए प्राणी को रोक ले, और अगर जिंदा बच सका तो अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लेना। यह क्या चीज है? इसको करण वशी ने जरूर उस दौरान पैदा किया होगा जब मैं छिपकर राज से नागराज का रूप धारण कर रहा था। इसका वार तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने रूई के भारी गद्दे से मारा हो, पर मेरा वार इसके आर पार हो जा रहा है, कोई और वार करना पड़ेगा। गप। लेकिन इससे पहले कि नागराज और कोई बार सोच पाता, वह मौका उसके हाथों से जाता रहा। अरे अरे, अब बादल जैसा यह प्राणी मुझे अपना अंदर समेटे ले रहा है, ऐसे तो यह मेरा दम घोट देगा। मैं सामान्य इंसान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा देर तक सांस रोक सकता हूं, पर उसके बाद तो मुझे भी सांस लेने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। पर यह बादल जैसा प्राणी आखिर है क्या? नागराज के विचार अपने सर्पों तक अपने आप पहुंच जाते हैं, और जवाब भी नागराज को अपने लहू में तैरते सूक्ष्म सर्पों से ही मिला। तुम बड़े रूप में होने के कारण उन कणों को नहीं देख पा रहे हो नागराज, जिनसे इस प्राणी का निर्माण हुआ है। हम सूक्ष्म रूप में होने के कारण साफ देख पा रहे हैं कि वे कण दरअसल जीवाणु, विषाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव हैं। ये तुम्हारे विषय तुरंत मर जाएंगे। ओ, अब समझा, करणवशी ने इन सूक्ष्म जीवों तक को सम्मोहित करने की क्षमता है। वे उसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। ये मेरे विष से मर तो जाएंगे, पर तब जब ये मेरे विष के संपर्क में आएंगे, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब मैं विष फुंकार छोड़ू या इनको अपने शरीर के अंदर खींचू। दोनों एकामों में सांस की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अभी न ले सकता हूं न छोड़ सकता हूं। आह, एक काम किया जा सकता है। भाग रहा नागराज, तू तो मेरी एक ही टक्कर से चित हो गया। लेकिन नागराज न तो चित हुआ था और न ही भाग रहा था, वह तो उस तरीकों को आजमाने जा रहा था जो उसे सूक्ष्म जीवियों की कैद से आजाद करा सकता था। ऑडिटोरियम जैसी किसी सार्वजनिक जगह पर आग बुझाने के साधनों को उपलब्ध रखना आवश्यक है। ऐसा साधन यहाँ पर भी है। मैंने अंदर जाते समय दीवार पर लगे कई अग्निशमन यंत्रों को देखा था, पर फिलहाल तो मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। मुझे अनुमान से उस दिशा में बढ़कर उस स्थान तक पहुंचना है जहां पर ये यंत्र लगे हुए हैं। नागराज को अपनी सर्प इंद्रिय का इस्तेमाल करते हुए सही स्थान में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये रेगनी समन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर, इनके अंदर जो रसायन भरे हुए हैं, इनकी प्रतिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फोम पैदा होती है जो आग को बुझाने में सक्षम होने के साथ साथ अत्यधिक ठंडी भी होती है। जब यह ठंडी फोम इस सूक्ष्म जीव बादल पर पड़ेगी तो ये सूक्ष्म जीव अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी जीवाणु या विषाणु ज्यादा ठंड में जिंदा नहीं रह सकता। सर,
शून्य से कई डिग्री नीचे के तापमान में कुछ इपलों में उस सूक्ष्म जीवी कैद को छिन्न भिन्न कर दिया और नागराज आजाद हो गया। करणवशी को भी यह जानने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उसका वार असफल हो गया है। नागराज के चक्कर में मेरा ध्यान भटक गया और कई दर्शकों को बाहर जाने का मौका मिल गया। अब इस भीड़ को रोके रखने का कोई मतलब नहीं है, अब मुझे भी यहां से निकल जाना चाहिए। आह, ये सांप कहां से आ गए, असली सांप। मैं फिर वापस आ गया हूं करणवशी, और इस बार तुमको रोकने का सबसे अच्छा तरीका मुझे यही समझ में आया। तू बच गया और तेरे हाथ से सांप निकलते हैं, तू भी कोई जादूगर है क्या? जादूगर नहीं, छाधारी मानव नाग जिसके शरीर में रहते हैं सांप, यह संकेत सांप। और मैं तुमसे लड़ना या टकराना नहीं, सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि अन्य जादूगरों की तरह तुम अपने दर्शकों को खुश करने के बजाय डराने वाले खेल क्यों दिखा रहे थे? और जब उन्होंने तुम्हारा शो बीच में छोड़कर जाना चाहा, तो तुमने उनको एक भयानक जीत द्वारा रोकने की कोशिश क्यों की? तू तो मेरा शो देख नहीं रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे दर्शकों में तू तो कहीं भी नहीं था। फिर तुझे क्या तकलीफ है? जादू दिखाना भी अपराध है क्या? मुझे खोल। जादू दिखाना अपराध नहीं है, लेकिन लोगों को एक कारण भयभीत करना अपराध की श्रेणी में आता है। अब बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? मैं तुझे जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं नागराज, वैसे बहुत हो गया यह खेल। अब मैं तुझे दिखाता हूं कि करणवशी क्या चीज है। मेरी जड़ सम्मोहन किरणें तेरे शरीर को हमेशा के लिए जड़ कर देंगी, सिर्फ मौत के बाद की अकड़न ही इस जड़ता को खत्म कर पाएगी। अरे, तो तूने मेरी सम्मोहन किरणों को अपने सम्मोहन से नष्ट कर दिया? ऐसी सम्मोहन किरणों ने तो मेरे नरक जाल को नष्ट किया था, कहीं तूने ही तो नहीं, यह काम दर्शकों में से ही किसी ने किया था, और मुझे याद है कि तू दर्शकों में नहीं था। खैर, तुझसे मुकाबला मजेदार होगा, और अब मेरा इंतजार भी पूरा हो गया है, मेरी शक्तियां बढ़ने लगी। अब देख अपनी जिंदगी का आखिरी नजारा। इंतजार पूरा हो गया, शक्तियां बढ़ रही हैं, क्या अर्थ है करणवशी की इन बातों का? शक्ति, इच्छा शक्ति, भाव मेरे शरीर में, शक्ति दो मुझे, शक्ति, दौड़। ओह, इतना भयंकर वार! इसकी शक्तियां बढ़ रही हैं, कहीं से इसको शक्ति प्राप्त हो रही है, पर कहां से? खैर, कहीं से भी प्राप्त हो रही हो यह बाद में सोचूंगा, अभी तो इस पर जल्दी से जल्दी काबू पाना ज्यादा जरूरी लग रहा है। फू, आह, यह क्या छोड़ा तूने मुझ पर, मेरा सर चकरा रहा है। इसे विष फुंकार कहते हैं करणवशी, मैं तेरे वार का जवाब उतने शक्तिशाली वार से दे सकता था, पर मैं खामखा की हिंसा में यकीन नहीं करता। अब मैं तेरी सम्मोहन शक्ति को ही अपनी सम्मोहन किरणों द्वारा खींच लूंगा। आह, तू तो सचमुच मेरी सम्मोहन शक्ति खींचे ले रहा है, तेरी सम्मोहन तरंगे बहुत शक्तिशाली है, तू मुझे शक्तिहीन कर देगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। आह, अब यह मुझ पर मानसिक शक्ति का वार कर रहा है, इसकी शक्तियां तो बढ़ती जा रही है। पहले इसने सर्प बंधनों को तोड़ डाला, फिर मुझ पर अति मानवीय शक्ति से भरा वार किया, और अब ये मानसिक वार, कहां से मिल रही हैं इसको ये शक्तियां? अगर करणवशी नागराज की शक्तियों से अपरिचित था, तो नागराज को भी करणवशी की शक्तियों का आभास नहीं था। मैं बेकार ही उस दूसरे शख्स को ढूंढ रहा था जिसमें भीषण सम्मोहन शक्ति है, जब तू मेरे सामने है ही, तो मुझे भला उसकी क्या जरूरत है? जैसे तू मेरी सम्मोहन शक्तियां सोख रहा था, वैसे ही मैं भी तेरी सम्मोहन शक्ति सोख सकता हूं, और यह काम मैं तेरा से चकराना खत्म होने से पहले ही कर लूंगा, ताकि तू मेरा प्रतिरोध कर ही ना पाए। नागराज ने खुद ही कर्णवशी को यह आइडिया दिया था, और अपनी बढ़ती हुई शक्तियों के सहारे कर्णवशी नागराज के मस्तिष्क में बसी हुई उसकी सम्मोहन शक्ति खींचता जा रहा था। हा, सम्मोहन शक्ति मिल तो रही है, पर थोड़ी सी इसके दिमाग के और अंदर तक घुसना होगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी इसकी शक्ति सोख सकूं, वरना अगर कहीं इसने अपने आप को संभाल लिया तो फिर मेरी खैर नहीं। कर्णवशी नागराज के मस्तिष्क के अंदर सम्मोहन शक्ति का केंद्र ढूंढने के लिए घुसता चला गया, और उसको अपनी खोज एकाएक समाप्त कर देनी पड़ी एक चीख के साथ। आह, ये क्या! मुझे एक बहुत तेज झटका लगा, सारे दिमाग की कोशिकाएं बुरी तरह से थर थराने लगी है। कोई शक्ति इसके मस्तिष्क के अंदर बैठी है, इसके मस्तिष्क की सुरक्षा कर रही है, मुझे यह खोज रोकनी होगी, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। करणवशी दरअसल नागराज की इच्छाधारी शक्ति के उसके अंदर को छेड़ बैठा था,
जो उसकी सम्मोहन शक्ति के केंद्र की भी रक्षा करता था। तू बहुत शक्तिशाली नागराज, पर अगर मैं तेरी शक्ति हासिल न कर सका तो उनके साथ तुझको भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि एक ही मैयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही पृथ्वी पर समान सम्मोहन शक्ति वाले दो मानव नहीं रह सकते सकते। तुझको मारने की मेरी कोशिशें शायद नाकाम रहे, पर मैं ऐसा इंजाम करके जा रहा हूं कि तेरी मौत का कारण वही बने जिनका बचने के लिए तू मुझसे टकरा गया था। आह, कर्णवशी भाग रहा है, पर भागते भागते वह मुझ पर एक किरण छोड़ता छोड़ता जा रहा है। क्या असर हो सकता है इस किरण का? खैर, असर जो भी है, फिलहाल तो मैं न वह असर रोकने की स्थिति में हूं और न ही कर्णवशी का पीछा करने की स्थिति में, क्योंकि इसके मानसिक वारों के कारण मेरा सिर अभी भी घूम रहा है। लेकिन कर्णवशी बचकर जाएगा कहाँ? महानगर या उसके आसपास के इलाकों में फैले मेरे जासूस सर्प उसको ढूंढ ही निकालेंगे। अभी उनको कर्णवशी को ढूंढ निकालने का आदेश भेज देता हूँ। महानगर में फैले जासूस सर्पों तक नागराज का आदेश पहुंचने लगा। अब इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जासूस सर्पों के संकेत का इंतजार करते रहना होगा और समय का सदुपयोग मैं उन मासूमों को बचाने के लिए कर सकता हूँ जो कर्णवशी से बचने के कारण भगदड़ में गिरकर या तो कुचले जा रहे हैं या चोट खा रहे हैं। ऑडिटोरियम के मुख्य द्वार और उसके आसपास भारी जाम लग रहा था। हर कोई दूसरे को पीछे हटाकर पहले बाहर निकलना चाहता था। ओह, मैं तो छत के रास्ते आराम से बाहर आ गया, परंतु अभी कई दर्शक अंदर ही है और बालकनी में बैठे दर्शकों को नीचे उतरने का रास्ता शायद जाम मिला तो उनमें से कई दर्शक कूद कूद कर ही अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, वह बच्चा भी डर के मारे नीचे कूद गया है। यह उतनी ऊंचाई से गिरकर मर सकता है, मुझे सबसे पहले इसे ही बचाना होगा। नागराज के इस काम को ऑडिटोरियम से बाहर भागे सैकड़ों आंखों के साथ साथ उन हजारों आंखों ने भी देखा जो अब तक ऑडिटोरियम के बाहर जमा हो गई थी। एतन नागराज लग रहा है, नागराज जैसा लग रहा है। आंखें खराब है क्या तेरी? यह तुझे नागराज जैसा लग रहा है? यह तो कोई राक्षस है, कोई शैतान जिसने नागराज का सा रूप धारण किया हुआ है और यह उस बच्चे को मारने जा रहा है। हम अपनी जान बचाने के लिए तो भाग सकते हैं, पर किसी बच्चे की जान को खतरे में छोड़कर नहीं। मारो इसे, मारो, मैं पुलिस को फोन करता हूं, तब तक मैं इसको रोकता हूं, मेरे पास लाइसेंस ही रिवॉल्वर है। अरे, ये भीड़ को अचानक क्या होगा? ये मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं और ये मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं? चक्कर क्या है? चक्कर कुछ भी हो, मुझे इनको रोकना होगा, क्योंकि इनके हमले से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये बच्चा घायल हो सकता है। नागराज के हाथों से निकलकर सर्प सेना भीड़ की तरफ उड़ चली। मेरे सर्प भीड़ पर हमला तो नहीं करेंगे, लेकिन इनकी उपस्थिति ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पर्याप्त तो रहेगी। मुझे छोड़ दो नाग राक्षस, मुझे मम्मी के पास जाना है। बच्चा आजाद हो गया, पर अभी यह नाग राक्षस हम पर भयानक छोड़े छोड़े भयानक कीड़े छोड़ रहा है। भागो, धोए। भागना समस्या का हल नहीं है, एक बच्चा इसके हाथों से बच गया तो यह दूसरे बच्चों पर हमला करेगा, इसको खत्म करना ही समस्या का अंत होगा, वरना यह हमारे बच्चों को मार डालेगा। बचेगा तब कुछ कर पाएगा ना। मैं भी इसके सीने में सारी की सारी गोलियां गाड़ देता हूं। अब यह मुझ पर गोलियों से हमला कर रहे हैं, साथ ही साथ पथराव भी तेज हो गया है। यह भीड़ अनियंत्रित हो रही है, इससे पहले कि यह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए मुझे इनको रोकना होगा। हल्की भी फुंकार यह काम कर सकती है, उससे ये लोग सिर्फ बेहोश हो जाएंगे पर जान का खतरा नहीं होगा। नागराज की विष फुंकार ने सचमुच तहलका मचा दिया। ओह, खो खो, यह तो नागराज की तरह विष फुंकार भी छोड़ रहा है। इस पर गोलियों का भी असर नहीं हुआ जैसे नागराज पर नहीं होता है। कहीं नागराज ही तो नहीं है जिसको रूप बदलने के कारण हम पहचान नहीं पा रहे हैं? हाँ, यह नागराज ही होगा। सुना है कि इसके अंदर इच्छाधारी शक्ति है, उसी से यह अपना रूप बदलकर शैतान बन गया है। नागराज शैतान बन गया, हम पर भयानक जीव और विष फुंकार छोड़कर हमको मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बातें जब फैलनी शुरू होती है तो पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैलती है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो राघव?
नागराज मर जाएगा पर शैतानों जैसे काम कभी नहीं करेगा। वैसे ही काम कर रहा मैडम, यकीन नहीं होता, आप भारतीय न्यूज चैनल पर सजीव प्रसारण देख लीजिए, निशा वहां पर पहुंचकर न्यूज कवर कर रही है। क्या हुआ भारती, या नागराज के शैतान बनने की क्या बात हो रही थी? मैंने आपको कर्णवशी के शो के बारे में बताया था ना दादाजी, यह भी जरूर उसी का फैला सम्मोहन जाल है। उसने लोगों पर ऐसा सम्मोहन कर दिया कि वे नागराज को सामान्य रूप में देखने के बजाय एक शैतान के रूप में देख रहे हैं। खैर यह बात तो अभी साबित हुई जाती है, क्योंकि जहां तक मुझे पता किसी टीवी कैमरे को सम्मोहित नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि टीवी स्क्रीन पर नागराज अपने सामान्य रूप में ही नजर आएगा। भारती ने टीवी पर भारतीय न्यूज चैनल को सेट किया और उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई, क्योंकि टीवी पर नागराज का जो रूप दिख रहा था वह उसका सामान्य रूप तो कतई नहीं था। रुक जाओ नाग मानव और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मेरी स्पेशल एंटी वैनम फोर्स तुम्हारी जान लेने को मजबूर हो जाएगी। नाग मानव, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? एसीपी विष्णु, मैं नागराज हूं। अब तुम नागराज से एक राक्षस बन गए हो, तुम्हारे अंदर छिपा शैतान आज बाहर निकल आया है। वरना इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके न तुम ये भयंकर रूप धारण करते और न ही भोले वाले नागरिकों पर अपनी नाग शक्तियों से हमला करते। और अगर मेरी बातों को तुम झूठ साबित करना चाहते हो तो बदल लो अपना वह रूप और कर दो अपने आप को मेरे हवाले, कर दे मेरे हवाले। यकीन नहीं आता तो देखो अपना यह वह भयंकर चेहरा जो शैतान के दिल को भी हिला दे। संभल जाओ नागराज, मेरे वही पुराने दोस्त बन जाओ जो अपराधियों को खुद ब खुद मेरे लोकअप तक आने को मजबूर कर देता था। विष्णु, क्या बके जा रहा है? क्या हुआ मेरे चेहरे को? कहीं यह कर्णवशी के अंतिम किरण वार का असर तो नहीं है? शायद सम्मोहन किरण ही हो जो इन लोगों को मेरा कोई और रूप दिखा रही है। और अगर ऐसा तो मुझे शीशे में अपना असली चेहरा ही दिखेगा, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी सम्मोहन नागराज को सम्मोहित नहीं कर। अरे यह क्या मुझे अपने चेहरे के स्थान पर किसी भयंकर सांप का चेहरा दिख रहा है? यह कैसे हो सकता है? यानी यह सम्मोहन नहीं है? कर्णवशी की धमकी खोखली नहीं थी, वह सचमुच ऐसा इंजाम कर गया है कि मेरे सुरक्षा में रहने वाले ही मेरी जान ले लें, पर मैं इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने नहीं दे सकता। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकता। मुझे कर्णवशी को ढूंढना होगा और उससे इस जादू की काट लेकर अपने सामान्य रूप में आना होगा, वरना महानगरी की जनता मेरी जान ले लेगी और कर्णवशी को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। न जाने क्या करना चाहता है वह। सर, नागराज भागने की कोशिश कर रहा है। अगर यह अपराधी नहीं होता तो भागने की कोशिश कभी ना करता। पहले चरण का हमला करो। अगले पल एक रॉकेट नागराज की तरफ लपक पड़ा। वो ये मुझ पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं, वैसे तो ये मुझे लगेगा नहीं, पर यह रॉकेट अगर मुझे लग भी जाए तो कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन वह रॉकेट नागराज को सीधे लगने के लिए दागा भी नहीं गया था, बड़ाम, क्योंकि नागराज से थोड़े ही फासले पर वह रॉकेट फट गया और उसमें से तेज धारदार हथियार निकलकर हवा में चारों तरफ लपके। आह, इस रॉकेट में भी स्फोटक नहीं, धारदार हथियार भरे हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी सेंटी बैनम स्क्वाइड को मेरी शक्तियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन्होंने मास्क भी इसलिए लगा रखे हैं कि मेरे विष फुंकार इन पर असर न करे, लेकिन मेरे पास और भी शक्तियां हैं। देखना कि ये उनका मुकाबला कैसे करते हैं। जैसे नागरसी, नागरसी सिर्फ एक पल के लिए सिपाही को बांध सकी। वो इनके बुलेट प्रूफ जैकेटों में धातु के तार लगे हैं और इनकी पोशाकों में शायद ऐसी बैटरियां भी लगी हैं जो उन तारों में करंट दौड़ा सके। मेरी सर्प रस्सी जरूर इसी करंट के कारण टूटती जा रही है। लगता नागराज मुकाबला करने पर उतारू है। हमारा पहला बार विफल हो गया, लेकिन महानगर पर बार बार हुए कई नागमानवों के हमले के कारण हमने उनसे निपटने की जो तैयारी करी थी वह आज नागराज के खिलाफ काम आएगी। दूसरे चरण का वार करो, एंटी वेनम ग्रेनेड का। यस सर, धड़ाम दौड़। आह, यह ग्रेनेड बनाने में जरूर पुलिस वालों ने डॉक्टर करुणाकरण की मदद ली होगी। ऐसी खतरनाक एंटी वैनम गैस सिर्फ वे ही बना सकते हैं। यह एंटी वैनम असरदार जरूर है विष्णु, पर इतना नहीं कि मुझे बेबस कर पाए। मेरी फुंकार अभी इसका नाश कर देगी।
डॉक्टर करुणाकरण के बारे में जाने के लिए पढ़े स्नेक पार्क, ये कॉमिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी नागराज के फोल्डर में। कब तक फुंकार छोड़ोगे नागराज? हम ग्रेनेड छोड़ते रहेंगे और तुम फुंकार छोड़कर अपना विष कम करते रहोगे, और थोड़ी देर में तुम इतने कमजोर हो जाओगे कि हम तुमको पिटारी में बंद कर लें। विष्णु ठीक कह रहा, बचाव कर करके मैं सिर्फ अपना समय और शक्ति व्यर्थ करूंगा, मुझे खुद भी हमला करना होगा, लेकिन वह हमला ऐसा होना चाहिए जिससे इनको नुकसान न पहुंचे, और ऐसा तरीका सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि मेरी कोई भी शक्ति इनको नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। फिलहाल इच्छाधारी कणों में बदलकर दृश्य हो जाता हूं, ताकि मैं कोई तरीका आराम से सोच सकूं। सर नागराज अदृश्य हो रहा है, हम इसके लिए भी तैयार हैं, इससे पहले कि पूरी तरह से अदृश्य हो जाए ग्लू सेल का इस्तेमाल करो। फायर ओफ, ये तो हर बार मुझसे एक कदम आगे निकले जा रहे हैं। ग्लू यानी कौन से ढक जाने के बाद मैं अपनी इच्छाधारी कणों को गैस की तरह हवा में बिखेर नहीं सकता, मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। टपाक दप दप, गुड नागराज, इस वाटरप्रूफ सिंथेटिक गोंद को अपने आप कभी छुड़ा नहीं पाएगा, अब इस पर आराम से एंटी पॉइजन इंजेक्शनों से वार करो, और जब ये बेसुध हो जाए तब इसको अपने कब्जे में ले लो। माना कि ये गोंद वाटरप्रूफ है विष्णु, पर इसको छुड़ाने का है और भी कई तरीके हैं, मैं अपनी कलाई पर से गोंद को हटाकर अपनी सर्प सेना के बाहर निकलने लायक जगह बना सकता हूँ, और फिर मेरी वह सर्प सेना सड़क को खोदकर पल भर में इतनी चौड़ी सुरंग बना देगी कि मैं उसमें समा सकूं, और जब मैं सुरंग के दूसरे छोर से बाहर आऊंगा तो मिट्टी से रगड़ खा खा कर यह गोंद भी मेरा पीछा छोड़ चुका होगा, और तुम्हारे सिपाही भी, तुम्हारे मास्क, बुलेट प्रूफ जैकेट, एंटी वैनम हथियार, ये और सब कुछ तो शायद जेल जाते पर मेरा गुस्सा नहीं झेल सकते। मुझे पता था कि तुमको गिरफ्तार कर पाना मेरे सिपाहियों के लिए मुश्किल होगा नागराज, पर तुम अभी मुसीबत के मुंह से बाहर नहीं निकल पाए हो। नागराज सुनो भीड़ का कोलाहल, मारो नागराज राक्षस, और ये तुमको खत्म करने के लिए इधर ही आ रहे हैं। पूरा शहर तुम्हारे खिलाफ हो गया नागराज, जिंदा रहने की एक ही सूरत है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। वो रहा शैतान नागराज, जला दो इसे, न मरे तो काट डालो। मामला से आगे बढ़ता जा रहा है और मेरे जासूस सर्प अभी तक कर्णवशी का पता नहीं लगा पाए हैं, मुझे कर्णवशी का पता जल्दी से जल्दी लगाना होगा, और इसके लिए अब मुझे अपने सर्पों के साथ साथ भारतीय कम्युनिकेशन की भी मदद लेनी होगी, जिसके रिपोर्टर महानगर के हर कोने में मौजूद है। रुक जाओ नागराज, मेरे सिपाही बेहोश हो गए हैं तो क्या, मैं तो अभी होश में हूं, मैं तुमको भागने नहीं दूंगा। यह जरूर एंटी पॉइजन इंजेक्शन होगा। सॉरी विष्णु, तुम पर वार करके मुझे कोई खुशी नहीं होगी, परंतु मुझे रोककर तुम कर्णवशी की मदद कर रहे हो, और अपना नुकसान तो, और मैं तुम्हारा नुकसान कभी नहीं होने दे सकता। तड़ाक, जैसा कि आप देख रहे हैं नागराज अपने पुराने दोस्तों तक पर वार करने से नहीं हिचक रहा है, क्या सचमुच नागराज राक्षस बन गया है? दिस इज निशापुर, भारतीय न्यूज चैनल। न्यूज चैनल पर लगातार नजर गड़ाए हुए भारती भी सोच में डूब गई, क्या निशा का कहना सच है, नागराज क्या सचमुच नागराक्षस बन गया है? क्योंकि अगर वह यह सम्मोहन का असर होता तो टीवी कैमरा नागराज का असली रूप ही दिखाता। अभी समस्या से मैं कैसे निपटूं? ओ फोन, यह किसका फोन हो सकता है? नागराज का ट्रेन पर, यह फोन नागराज का नहीं था, फोन करने वाले थे डॉक्टर करुणाकरण। हाँ, मैं भारती। अच्छा, आपने भी वह सजीव प्रसन्न देख लिया है, आपकी क्या राय है? मामला बहुत सीरियस है भारती, मैं सांपों के बारे में तो काफी कुछ जानता हूँ, पर नागराज वास्तव में एक मानव है जिसमें नागराज नाग रूप में बदल सकने की इच्छाधारी शक्ति है, इसलिए उसको क्या हुआ है तो उसके पूरे चेकअप के बाद ही कहा जा सकता है, पर चेकअप के लिए उसका पकड़ना जरूरी है, और यह काम असंभव नहीं तो मुश्किल तो है ही। खैर फिलहाल तो मैंने तुमको सतर्क करने के लिए फोन किया है। अगर नागराज अपने पुराने मित्र ऐसी विष्णु पर हमला कर सकता है तो मुझ पर भी कर सकता है, और तुम्हारे भी तो कुछ जान पहचान है ना उससे? हाँ है तो, पर कुछ खास नहीं, फिर भी तुम सतर्क रहना। मैं सतर्क रहूंगी। हाँ जी,
आपने विश्वामृत का महानगर पर हमला होने के बाद जो हथियार बनाकर मुझे न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए दिया था वह मेरे पास है। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि वह नागराज पर भी असरदार होगा। विश्वामृत के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़े विश्वामृत। ये कॉमिक्स आपको मेरे प्लेलिस्ट में नागराज के फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। गुड, तो अगर नागराज तुम्हारे सामने पड़ जाए तो उस पर काबू पाने की कोशिश करना ताकि मैं उसे यहाँ पर लाकर उसका चेकअप कर सकूं और उसकी समस्या समझ सकूं। ओके बाय बाय डॉक्टर करुणाकरण। भारती, दरवाजा खोलो जल्दी। ठक ठक। अरे भारती, क्या हो गया? शायद ये अभी मेरे भयानक रूप से डर गई है या मुझे पहचान ही नहीं रही है। खैर, इसको तो मैं समझा लूंगा, पर यहाँ पर ज्यादा देर खड़ा रहना खतरनाक हो सकता है। अगर किसी ने मुझे यहाँ खड़े देख लिया तो उग्र भीड़ शायद इस घर पर ही हमला कर दे। और अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो मुझे दरवाजा तोड़कर अंदर जाना होगा। नागराज द्वारा किया जाने वाला हर कार्य एक नई गलतफहमी पैदा कर रहा था। वैसे भी विष्णु द्वारा मारे गए एंटी वेनम इंजेक्शन ने मुझे थोड़ा कमजोर कर दिया है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं खड़े खड़े दरवाजा खुलने का इंतजार करूं। ओ, यानी तुम सचमुच शैतान बन गए हो नागराज। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम खलनायकों की तरह शीशा तोड़कर अंदर आने की कोशिश नहीं करते। यह तुम क्या कह रही हो भारती? मैं शैतान नहीं बनाऊं, यह कर्णवशी की किसी सम्मोहन किरण का असर है। मैं भी तुम्हारी बातों पर एतबार करना चाहती हूँ नागराज, पर क्या करूं, सारे तथ्य तुम्हारे खिलाफ है। मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकती। यह क्या कह रही हो भारती? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह सब कर्णवशी का किया धरा है और इसकी काट जाने के लिए मेरा उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उसको ढूंढने में मुझे भारतीय कम्युनिकेशन की मदद चाहिए। नहीं नागराज, अगर यह सम्मान होता तो टीवी कैमरे पर तुम्हारी असली शक्ल आती। बेगुनाह जनता की भीड़ पर तुम अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग न करते और विष्णु जैसे पुराने दोस्त पर हमला भी न करते। मेरी शक्ल कैसे बदल गई है मैं भी नहीं जानता भारती। ऑडिटोरियम के बाहर की भीड़ मुझे देखकर उग्र हो रही थी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही थी, इसीलिए उनको तितर बितर करने के लिए मुझे नाग शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। और विष्णु मुझ पर एंटी वेनम इंजेक्शन का वार कर रहा था, पर मुझे कर्णवशी को खोजने जाना था इसलिए मैंने उस पर वार किया, पर व्यवहार घातक कतई नहीं था। कर्णवशी को खोजने में मेरी मदद करो भारती। इस इंजेक्शन का एंटी वेनम अभी भी मुझे कमजोर कर रहा है, मेरा यकीन करो भारती। या तो तुम बीमार हो नागराज, या सचमुच तुम्हारे अंदर का शैतान बाहर आ गया है। पता लगाने का एक ही तरीका, तुमको काबू में करके तुम्हारा चेकअप करना, और यह एंटी पॉइजन गन तुमको आराम से काबू में कर सकती है। नहीं भारती, ऐसी गलती मत करना, यह मुझे काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यह गन तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी नागराज, बल्कि तुमको डॉक्टर करुणाकरण के क्लिनिक में पहुंचाएगी, जहां पर डॉक्टर करुणाकरण तुमको ठीक करने का तरीका ढूंढेंगे। फचौक। भारती की उंगली ट्रिगर पर दब गई और नागराज के लिए महाघातक विषनाशक की धार नागराज की तरफ लपक गई। ओह, इधर उधर उधर हटने की जगह नहीं है, मुझे इच्छाधारी कणों में बदलना होगा, पर मैं अपने दिमाग को केंद्रित ही नहीं कर पा रहा हूं। मुझे इस धार से बचना ही होगा, वरना पहले से एंटी वैनम से कमजोर हुआ मेरा शरीर इस विषनाशक की धार को झेल नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले कि धार नागराज के शरीर को छू पाती, एक अवरोध रास्ते में अकड़ा हुआ। ओह दादाजी, आपने क्या किया? नागराज को आप देख नहीं पा रहे हैं, यह शैतान बन चुका है। आप सामने से हट जाइए, वरना अगर इसने अपने आप को संभाल लिया तो हमारे और आपके लिए भी कहर बन जाएगा। भारती को जिंदगी में पहली बार दादाजी का थप्पड़ पड़ा था। होश में आओ भारती। स्टॉक, यह मत भूलो कि नागराज कौन है और तुम कौन हो। नागराज उस राजसी वंश की आखिरी निशानी है जिसकी सुरक्षा की कुछ जिम्मेदारी वेदाचार्य और उसके वंश पर भी है। और मेरा वंश गद्दारों का नहीं, स्वामी भक्तों का है, जो अपने स्वामी पर खुद हथियार उठाने के बजाय अपने आप को उस हथियार के सामने कर देते हैं जो हमारे स्वामी पर उठता है। नागराज पर हमला करने से पहले तुमको वेदाचार्य की लाश पर से गुजरना होगा। और ध्यान रखना, अपने स्वामी की रक्षा के लिए वेदाचार्य तुम्हारी लाश गिराने से भी नहीं हिचकेगा। यह आप क्या कह रहे हैं दादाजी? ऐसे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती,
मैं तो नागराज की मदद ही कर रही हूँ। बिना चेकअप के इसके रूप बदलने का पता नहीं चल सकता है। अगर आप इसका बदला रूप देख पाते तो मैं जो देख पा रहा हूं वह तुम नहीं देख पा रही भारती। मैं नागराज के रूप को अपनी मानस तरंगों के जरिए देख पा रहा हूँ और नागराज का रूप तो मुझे सामान्य ही दिख रहा है, यानी तुमको दृष्टि भ्रम हो रहा है। मैं ठीक हूँ, फिर सबके साथ साथ मुझको भी अपने रूप राक्षस जैसा कैसे दिख रहा है? तुम्हारे शरीर के चारों तरफ मैं सम्मोहन किरणों का एक घेरा महसूस कर रहा हूं नागराज। यह सम्मोहन किरणें ही बाकी सबके साथ साथ तुमको भी अपना रूप भयानक बनाकर दिखा रही है। पर दादाजी, सम्मोहन इंसानों या पशुओं की आंखों पर ही असर कर सकता है, कैमरे की आंख पर नहीं। फिर टीवी पर नागराज शैतान जैसा क्यों नजर आ रहा था? हाँ, मुझे शीशे तक में अपना प्रतिबिंब शैतानी नजर आ रहा था। यह घेरा अत्यंत तीव्र सम्मोहन किरणों का है, इसलिए यह प्रतिबिंब को भी उसी रूप में दिखा रहा है। वो टीवी कैमरे द्वारा भी यही भयानक रूप दिखाने का कारण, तो जहां तक मेरी जानकारी है, टीवी कैमरा अवश्य अवश्य और ध्वनि को चुंबकीय तरंगों में बदलकर उनको प्रेषित करता है। यह सम्मोहन किरणें अति तीव्र होने के कारण यह गुण रखती होंगी। उनके सम्मोहन ऊर्जा को भी चुंबकीय ऊर्जा में बदलकर सम्मोहित दर्शक को प्रेषित कर दे। वो समझा, पर करण वशी के पास इतना अधिक तीव्र सम्मोहन आया कहां से? यह सम्मोहन घेरा किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी सम्मोहन तरंगों द्वारा बना नागराज। यह तुम्हारी सम्मोहन तरंगे है क्या? वो यानी करणवशी ने जो मेरी थोड़ी सी सम्मोहन शक्ति सोखी थी, उसने उसी का वार मेरे ऊपर कर दिया। पर इस असर को कैसे काटा जा सकता है दादाजी? तुम्हारे सम्मोहन के बराबर का कोई न सम्मोहन ही इस सम्मोहन घेरे को नष्ट कर सकता है नागराज। वो इसके लिए तो मुझे महात्मा कालदूत की शरण में जाना होगा। मैं मानवता को बचाने के चक्कर में बह गई थी दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, नागराज से मांगो भारती, उसकी कोई जरूरत नहीं है भारती। अगर स्वामी मानवता के विनाश पर उतारू हो जाए तो उसके अनुचरों को भी ऐसे स्वामी की स्वामी भक्ति छोड़ने का पूरा अधिकार है। तुमने भ्रम के कारण जो कुछ भी समझा उसके अनुसार एकदम ठीक काम किया। गुस्सा होना तो दूर, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब काम की बात सुनो, मुझे कर्णवशी को खोजने के लिए तुम्हारे रिपोर्टरों की मदद की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे समवन पार्ट 2 में। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।